पे जो वॉलपेपर है आपको मोर के पंख वाला वॉलपेपर मिल जाता है। इसकी सीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त रखी गई है, रोप लाइट इसमें इंस्टॉल की गई है, और यहाँ पे आप देखिए जी फायर पॉइंट आपको मिल जाता है ड्राइंग रूम के अंदर। और ये एच बना हुआ है, आप देख सकते हैं इधर से, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये एच बना हुआ है। और औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली मिनहास, और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज दोबारा हम आपके लिए पांच मरला का बहुत ज़बरदस्त स्पेनिश घर लेके आए, जिसकी लोकेशन पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी है। और ये पैरागॉन जो है ये बरकी रोड के ऊपर आती है, और आप ये देख रहे हैं घर भी बहुत ज़बरदस्त है, LDA से अप्रूव सोसाइटी है। ये घर बहुत खूबसूरत आपके लिए आज लेके आए हैं। अगर इसकी रोड की विजिनिटी की बात करें तो 30 फीट वाइड रोड है, पूरी कम्युनिटी आप देख सकते हैं, गली में सारी डेवलप है। और लेफ्ट साइड से भी आपको दिखा देते हैं, टोटल डेवलप कम्युनिटी के अंदर ये घर आपके लिए लेके आए हैं। अंडरग्राउंड यहाँ पे आपको वायरिंग मिल जाती है, कमर्शियल मार्केट्स, अल्फता स्टोर, इम्पीरियल मार, और ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको इस सोसाइटी के अंदर मिल जाती है। बैंक्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा अवेलेबल है, पंजाब बैंक है, एसबी बैंक है, और गैस की फैसिलिटीज मौजूद है। गैस आप देख रहे हैं मीटर लगा हुआ है यहाँ पे। स्टार्टिंग पे आपको लॉन एरिया मिल जाता है, और इस घर को भी ऑनर मीटर लगा के देंगे। आपको अंदर लेके चलते हैं, पूरा घर का रिव्यू करवाते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। ये जी आपको गैराज दिखाया जा रहा है, गैराज की सीलिंग आप देखें, खूबसूरत सीलिंग रखी गई है। सामने मेन 8-8 फुट हाइट के ऊपर आपको डोर्स मिल जाते हैं, एक सेपरेट स्ट्रेट का डोर है, आपको एक मेन टीवी लॉन्च का डोर, एक गैराज का डोर मिलता है। गैराज इसका बड़ा है, और स्टार्टिंग पे यहाँ पे तकरीबन 7-8 फीट की जगह छोड़ी गई है। और यहाँ पे पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का जो कानून है वो यही है कि आपने जगह लाजमी छोड़नी होती है। गैराज में आपको फैन मिल जाता है, और यहाँ पे अगर आप गाड़ी की बात करें तो बड़ी होंडा सिटी, सिविक, XLi, GLi वगैरह आप इजीली खड़ी कर सकते हैं। हाइलक्स डाला भी इजीली खड़ी हो जाएगा आपका। और आपको मेन डोर दिखा दें, बड़े बेहतरीन डोर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, खूबसूरत वजनी डोर्स हैं। और यहाँ पे आप अगर देखें टीवी लॉन्च एरिया आपको मिल जाता है, टीवी लॉन्च बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। आप देखें वुडवर्क का काम यहाँ पे कम्प्लीट है, और यहाँ पे आपको सीलिंग में रोप लाइट इंस्टॉल्ड मिल रही है, और शीशा लगाया गया है सीलिंग के अंदर, मिरर का काम किया गया है, रोप लाइट लगाई गई है, काफ़ी कॉस्टली काम है। सामने एसी के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, और स्टेयर्स जो है आप देखें बिल्कुल सेपरेट स्टेयर्स हैं। आप कल को इधर दो फैमिलीज भी इजीली रह सकती हैं, एक पोर्शन को रेंट आउट भी कर सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे आपको पोर्डरूम की ऑप्शन मिल जाती है, और पोर्डरूम के अंदर भी आपको टच में मिरर मिल जाता है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि वेंटी लगी हुई है, सीट की ऑप्शन है। और ड्राइंग रूम अब आपको दिखाते हैं, टोटल 9 इंच की दीवारें, ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च इकट्ठे हैं। आप चाहें तो कर्टन्स वगैरह लगा के इसको सेपरेट कर सकते हैं। ड्राइंग रूम के अंदर आपको मैपल वुड कलर की यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। यहाँ पे जो वॉलपेपर है आपको मोर के पंख वाला वॉलपेपर मिल जाता है। इसकी सीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त रखी गई है, रोप लाइट इसमें इंस्टॉल की गई है, और यहाँ पे आप देखिए जी फायर पॉइंट आपको मिल जाता है ड्राइंग रूम के अंदर। और ये एच बना हुआ है, आप देख सकते हैं इधर से, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये एच बना हुआ है। और इसी तरह से लैंप्स भी आपको, वॉल लैंप्स मिल जाते हैं, सेफ्टी ग्रिल्स मिल जाती हैं, एसी के पॉइंट्स मिल जाते हैं। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी लाहौर की बहुत ही खूबसूरत तरीन सोसाइटी है, और ये घर जो आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन लोकेशन का घर है। यहाँ पे आप देखें जी वॉलपेपर आपको इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, और बड़ा ही एक डिसेंट लुक का वॉलपेपर इसमें इंस्टॉल्ड किया गया है। इसकी सीलिंग में आपको रोप लाइट इंस्टॉल्ड मिल रही है, सेफ्टी ग्रिल्स मिल रही हैं, विंडो वेंटिलेशन के लिए मिल रही हैं, और आपको LCD का पॉइंट मिल रहा है। इसकी जो वार्डरोब्स है आपको हिडन मिल रही हैं, और इसी तरह से यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल जाता है। आप वॉशरूम देखें, बेहतरीन डिज़ाइन किया गया, 5 मरला का आपके लिए घर लेके आए। और इधर जो आपको वॉशरूम में मिरर मिलता है, ये भी बहुत खूबसूरत लाइट वाला मिरर है, टच में है। और फैसल की पूरे घर में एक्सेसरीज इंस्टॉल की गई हैं, जितनी फिटिंग्स हैं सारी फैसल की हैं, पोटा के कमोड्स लगाए गए हैं, कोई लोकल एक्सेसरीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब आपको किचन दिखाते हैं, आप डोर्स पहले देखें, माशाल्लाह खूबसूरत डोर्स लगाए गए हैं, बेहतरीन डोर्स हैं इसके। और इसी तरह से आपको किचन का भी व्यू करवा देते हैं। ये जी किचन है इसका, किचन में भी आपको मिरर मिलता है सीलिंग के अंदर, और रोप लाइट मिलती है। इधर आपको ड्राई फ्रिज मिल जाती है, और यहाँ पे आपकी फ्रिज का पॉइंट भी दिया गया है। चोरन सिंक मिल जाता है आपको यहाँ पे, और ZRK की शीट का काम मिल जाता है।
इधर आपको टच में हुड मिल जाता है, आप ये देख सकते हैं कि ये टच में हुड है और ये आप इससे स्पीड अप डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी से और इसको टच में ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये आपको बैक साइड पर वेंटिलेशन एरिया मिल जाता है, सेफ्टी ग्रिल्स आप देखें इसमें लगाई गई हैं और स्ट्रीट लाइट्स इस पूरी सोसाइटी के अंदर लगी हुई हैं। मार्केट्स मिल जाती हैं, स्कूल्स मिल जाते हैं, पार्क्स मिल जाती हैं आपको, बड़े बड़े रोड्स हैं इस सोसाइटी के, कारपेटेड रोड्स हैं और LDA से अप्रूव्ड ब्रांडेड सोसाइटी है ये माशाल्लाह। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है, आप ये देखें सेपरेट आपको यहाँ पे डोर मिल जाता है स्टेयर्स का और इसी तरह से ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल आपको मिलता है स्टेयर्स के ऊपर। और ये आपको फर्स्ट ईवी लॉन्च में लेके आए हैं, फर्स्ट ईवी लॉन्च देख सकते हैं कि ये भी बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है, खूबसूरती दी गई है इसमें भी, रोप लाइट इंस्टॉल की गई है सीलिंग में, फैन इंस्टॉल आपको मिल रहे हैं, आपको कोई भी पंखे लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। दो बेडरूम आपको ऊपर मिल जाते हैं, टोटल 3 बेडरूम्स पर मुश्तमिल ये घर है और विंडोज़ आप देखें बड़ी बड़ी विंडोज़ लगाई गई हैं वेंटिलेशन के लिए, वॉलपेपर्स इंस्टॉल किए गए हैं और इधर आप वॉशरूम देख सकते हैं, बेहतरीन वॉशरूम रखे गए हैं बड़े साइज में और टाइल फ्लोरिंग खूबसूरत की गई है। ये टच मिरर्स डबल लाइट में वाइट और गोल्डन लाइट का इस्तेमाल किया गया इनमें और एक्सेसरीज फैसल की। इसी तरह से आपको वार्डरोब्स मिल जाती हैं, इधर आपको टेरेस मिल जाता है, थोड़ा सा टेरेस का व्यू करवा देते हैं, ये जी टेरेस है। और अब आपको दिखाते हैं तीसरा बेडरूम, उसके बाद दिखाएंगे आपको किचन। तो ये जी पिंक कलर किया गया यहाँ पे वॉलपेपर है ये और मैट में है ये वॉलपेपर, इसमें ठीक से शो नहीं हो रहा कैमरा में, तो ये मैट में ये चाइल्ड बेड है इसलिए यहाँ पे शॉक कलर का वॉलपेपर लगाया गया, ZRK की शीट लगाई गई है और इधर मीडिया वॉल भी बनी हुई है। इधर आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। अगर इसके वॉशरूम की बात करें तो इसका वॉशरूम भी खूबसूरत है, मैट फिनिशिंग में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें भी आपको मिरर मिल जाता है लाइट वाला और टच में मिरर है, इसी तरह से डबल लाइट है इसकी भी, अब देखें वाइट गोल्ड। अब आपको छत का विजिट करवा देते हैं नाजिन। अगर इस घर की प्राइस की बात करें तो 2,10,00,000 इस घर की प्राइस है और ये स्टोरूम है, छोटा सा स्टोरूम दिया गया और इधर आपको किचन भी मिल जाता है, किचन रह गया था ये भी आप देख लें, ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है जो इसमें डिजाइन किया गया है। 2,10,00,000 नाजिन इस घर की डिमांड है और ये 5 मरला का घर है, बेसिकली प्लॉट की कीमत यहाँ पे ज्यादा है इस वजह से घरों की कीमतें ज्यादा है। वैसे भी आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है लेकिन डिमांड लोकेशन के लिहाज से रीजनेबल है, इस सोसाइटी के लिहाज से रीजनेबल डिमांड है। और ये छत से व्यू है बैक गली का, आप देखें बैक गली भी फुली तौर पर डेवलप है और फ्रंट भी जो है फुली तौर पर डेवलप है। नाजिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 2,10,00,000 इस घर की डिमांड है, टोकन के ऊपर निगोशिएबल है। अगर आप इस घर को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिएगा नाजिन, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।